हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभी आपको यहाँ पे इस वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ कि क्लैन डिफेंस कैसे सेट करते हैं। जैसे अभी नया क्लैन वॉर्स आया है तो उसमें बोर्ड का भी अलग से डिफेंस का एक पूरा सेटअप है, जो पहले पहले मैं भी बहुत कंफ्यूज था उसके बारे में कि इसको कैसे सेट करते हैं और ये वर्क कैसे करता है। तो मैं आज आपको दिखाऊँगा कि कैसे सेट होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो ये रहा अपन अभी वीक टू में चल रहे हैं क्लैन वॉर्स के। जैसे आप सभी को पता है, नए अपडेट के बाद इन्होंने वीक फाइव तक पूरा क्लैन वॉर्स सेट किया हुआ है। तो हर एक वीक में हर एक नया क्लैन वॉर चलता रहता है। तो फिलहाल हमारी टीम नंबर टू पे चल रही है क्योंकि आज ही क्लैन वॉर स्टार्ट हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अपन ये न्यू क्लैन वॉर में बोर्ड डिफेंस कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले आप बोर्ड पे टैप करिए, जो भी आपकी अपनी बोर्ड है। जैसे कि हमारी टीम ने, सारे बंदों ने अभी क्लैन सेटअप पूरा किया हुआ है और बोर्ड डिफेंस भी पूरा किया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि वो आप कैसे सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा खुद का अकाउंट है, मैं इसको एडिट करने वाला हूँ, ठीक है? तो आपको प्रॉपर आइडिया है कि कैसे ये एडिट होता है। तो गाइस, सबसे पहले मेरी ये टिप है कि आप जितने आपके हर एक टावर के चार डिफेंस होते हैं। जैसे टावर वन में चार कार्ड आप रख सकते हो, टावर टू में चार कार्ड रख सकते हो और टावर थ्री में चार कार्ड रख सकते हो। तो एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है कि जब भी आपके एनिमीज ट्रूप्स डिप्लॉय करता है, जो मान लो कि जैसे वो टावर एक से जा रहा है, जैसे लेफ्ट वाला टावर है, अगर वहाँ से उसके ट्रूप वो छोड़ेगा तो पहले वो वाला टावर डिफेंस करेगा और थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे सभी टावर एक्टिव होंगे। तो वो अपने ट्रूप कैसे डिप्लॉय करता है उस पर भी बहुत डिपेंड्स रहता है। जैसे कि मान लो अभी मैंने जो डिफेंस अपना सेट किया है, तो वो ऐसे सेट किया है कि मेरे सारे ट्रूप्स हैं वो मोस्टली डिफेंसिव है। तो वो अगर उसका ट्रूप बहुत सारे, जैसे मान लो एक साथ में तीन या चार उसके ट्रूप्स आ रहे हैं, तो मेरा एक ट्रूप ही, एक ही कार्ड है, एक ही ट्रूप का कार्ड है, वो कैसे उसको डिफेंड करता है, कैसे फायर करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैंने यहाँ पर रखा है विच, फिर मैंने रखा है विजर्ड, फिर मैंने रखी है वल्केरी और मैंने फिर रखी है बैंडिट। तो ये चारों के चारों मेरे ऐसे ट्रूप हैं कि वो बहुत ही शार्प अटैक करते हैं और डिफेंस भी अपने टावर को बढ़िया से करते हैं। वैसे ही मैंने टावर टू पे डिफेंस रखा है, एक तो ये बॉलर है, दूसरी मेरी है मस्किटियर, तीसरा मेरा है जायंट। जायंट क्या करेगा कि एनिमी के सारे ट्रूप को लूर करेगा और लूर करके उसको दूर ले जाएगा। और ये पैक्का है, तो पैक्का क्या करेगा कि पैक्का उसका कितना भी बड़ा ट्रूप हो जिसका हेल्थ बहुत ही ज़्यादा हो, तो उसको बहुत जल्दी मिनिमाइज़ करने की ये ताकत रखता है। और ये ट्रूप है तो इसमें भी मैंने ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही रखा है। इसमें मैंने पहले रखा है एग्जीक्यूशनर, फिर मैंने रखा है गोलम, फिर मैंने रखा है बेबी ड्रैगन जो उसके एयर के ट्रूप को मारने के लिए, और लास्ट में रखा है मैंने गोब्लिन हेड जो एक 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 गोब्लिन को वहाँ से निकालता रहता है, तो अपना डिफेंस थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि ये डिफेंस कैसे वर्क करेगा और आपको इसमें कार्ड डालने हैं। तो एक्चुअली पहले मैं ये बता देता हूँ कि इसमें आप कार्ड कैसे ऐड कर सकते हो। तो इसमें ऐसा है कि ये आप जो मैजिकल विंड जो देख रहे हो, जो येलो कलर का है, तो उस पर आप टैग करोगे तो ऑटो जनरेट डेक आपको करके देता है। आपको अगर आप यस करते हो तो जनरेट डे हो जाएगा, अगर आपको रिमूव करना है तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो और पूरा डेक खाली हो जाएगा। तो फिलहाल गाइस आपको ऐसा डेक देखने को मिलेगा। तो आप एक एक करके, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टैप किया, ठीक है, टावर के डिफेंस पे मैंने, मेरे को एक एक ट्रूप ऐड करना है, तो मैं यहाँ से ऐसे ऐड हो गया। उसके बाद अगर मेरे को रिमूव करना है तो मैं रिमूव कर दूंगा और फिर नीचे से सारे रिमूव पहले मैं कर देता हूँ एक मिनट। और अभी मैं नीचे से ट्रूप सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, जैसे ये वाला है मेरा कार्ड, ठीक है। अभी मेरा दूसरा है ये वैल्केरी, उसको मैंने ऐड कर ही दिया। अभी तीसरा है मेरी ये पीच, पीच को मैंने ऐड कर दिया। और गाइस ये चौथा कार्ड जो था वो मैं अभी बदलने वाला हूँ, मुझे ये बॉम्बर रखना है तो मैं बॉम्बर कर देता हूँ। तो ऐसे तीनों टावर आप सेट कर सकते हो। बाद में अगर आपको, उसके बाद आप उसको सेव कर लो। सेव करने के बाद अगर आपको अपना डिफेंस चेक करना है तो आप उसमें टेस्ट में चले जाओ। तो टेस्ट में क्या होगा, आपको लाइव बैटल करने को मिलेगी अपने खुद के ही डेक के साथ। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे होता है। तो देखो गाइस, मेरा खुद का टावर है जो 729 का उसका HP है। अभी मैं अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करने वाला हूँ, तो मैं पहले पूरा सारा एक साथ लेके जाऊँगा। तो सामने वाले टावर जो है वो भी मेरे ही है, वो टेस्टिंग के लिए है, तो वो कैसे उसको डिफेंस करते हैं वो देखने को मैं पता चलेगा। तो अभी आपको पता चल रहा होगा, मैंने देखो एक साथ तीन या चार ट्रूप डिप्लॉय किए। तो सामने वाला टावर देखो, वो मेरे ही टावर है, देखो अभी वीच आई, ठीक है। तो उसका वीच का अभी क्या होगा, उसके बाद
वो देखो विजर्ड आया, तो दोनों साथ में अभी अटैक करेंगे। तो अगर मीन वाइल मान लो कि मैंने दूसरे टावर पे भी अटैक कर दिया यहाँ से गलती से भी, अगर एनिमी ने वहाँ से अटैक कर दिया तो वो वाला टावर भी एक्टिव हो जाएगा एकदम से, और वो वाला एक्टिव हो जाएगा तो वो भी सामने से वैसे ही देखो उसका भी एक्टिव हो गया और सामने से आ गया मेरा एग्जीक्यूशनर, तो मतलब वैसे वो फंस जाएगा फिर दोनों साइड से। और एनिमी का टावर मोस्टली 729 HP रहता है, तो उसको बहुत टफ हो जाएगा डिफेंड करने के लिए। तो मान लो अगर मैं उसका ट्रूप भी लूट करना तो भी नहीं कर पाऊंगा। देखा गाइस, तो मतलब ये बहुत ही इजी, आप डिफेंस का ट्रूप कैसे रखते हो इस पर बहुत ही डिपेंड करता है। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि आप ऐसे डिफेंस के कार्ड यूज़ करें जो आपका टावर, तीनों के तीनों टावर एकदम डिफेंस कर सके और आपको बोट को बचा सके। तो इसका मेन मेन फ़ायदा ये है कि आपकी बोट जल्दी से सिंक नहीं होगी, और आपको मतलब वापस से यहाँ पे जाके आपको बोट यार्ड का चैलेंज नहीं खेलना पड़ेगा। अगर गाइस आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और बताइए मुझे कि अगर आप और क्लैन वॉर्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में डालें, तो मैं और नया वीडियो बनाऊंगा। चलो थैंक यू गाइस।